अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कुछ आसानियां हैं, बहुत ज़्यादा आसानियां हैं। उसका इश्तहार मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इश्तहार अच्छी तरह समझ आ सके और बाद में आप ये समझ पा सकेंगे कि आप अप्लाई करने के अहल है या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक आसानी और बर वक्त मिलती रहे। बढ़ते अपने इश्तिहार की जानिब, तो आपसे शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पर कह रहे हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट सेविंग डोमिसाइल ऑफ द रेलिवेंट प्रोविंसेस, रीजन, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एज डिटेल्ड बिलो अगेंस्ट फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन वेरियस फील्ड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान कस्टम्स डिपार्टमेंट अंडर द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद। All intending candidates are required to submit online applications through National Jobs Portal NJP website, i.e. www.njp.gov.vk। यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है, आपने इसी का विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई ही करनी है। देखते हैं नीचे, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रांजिट ट्रेड कराची, कराची के लिए आसामियों का तफसील। फर्स्ट नंबर पे DEO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, BPS 14 है। ये तीन असामियाँ हैं। शरायत में लिखा गया, कैंडिडेट सेविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मेरिट पे तीनों असामियाँ जो है वो मेरिट पे भर्ती की जाएंगे। दूसरे नंबर पे सिपाही BPS 5 और ये 63 असामियाँ, ये कराची के लिए है। ऊपर सामने जो लिखा गया है, प्रोविंशियल रीजनल कोटा में सिंध के लोग ही अप्लाई करने के अहल हैं, इसके लिए सिंध के लोग ही अहल हैं। मेरिट पे 54 वोमेन के लिए 6 और माइनॉरिटी के लिए 3 असामियाँ। यहाँ पर सिंध के लिए ड्राइवर के की 7 असामियाँ, BPS 4 है और ये मेरिट पे भर्ती किए जाएंगे। नीचे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड पेशावर, पेशावर के लिए कितने असामियाँ देखते हैं नीचे। DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 2 असामियाँ है। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इंक्लूडिंग मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक्स फाटा पाटा आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मतलब ये खैबर पख्तूनख्वा की डोमिसाइल रखने वाले लोगों के लिए है। दोनों मेरिट पे भर्ती किए जाएंगे। सिपाही BPS 5 है और 48 असामियाँ है, इसके लिए भी शर्त यही है, मेरिट पे 41 भर्ती की जाएंगे। वोमेन के लिए 5 और माइनॉरिटी के लिए 2 असामियाँ मुख्तस की गई है। फिर चलते आगे क्वेटा की तरफ, मतलब बलूचिस्तान। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड क्वेटा, यहाँ पर सिपाही के पास 76 असामियाँ हैं, BPS 5। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस एक्सेप्ट पंजगोर, लासबेला, आवारान, केच एंड ग्वादर आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ये 64 मेरिट पे भर्ती किए जाएंगे, 8 वोमेन के लिए और 4 माइनॉरिटी कोटा है। इसके बाद है बलूचिस्तान के लिए ड्राइवर की 3 असामियाँ हैं, BPS 4 और इसके लिए भी यही एलिजिबिलिटी है, मेरिट पर भर्ती की जाएंगी। अच्छा, इसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड गवादर, गवादर के लिए इसकी हो जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14, नंबर ऑफ पोस्ट 1। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवादर, केच, पंजगोर, लासबेला एंड आवारान आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मेरिट पर ही ये एक असामी जो है फिल की जाएगी। सिपाही की 48 असामियाँ हैं, BPS 5, इसके लिए भी यही शर्त है। वोमेन के लिए 5 असामियाँ, मेरिट पे 41 और माइनॉरिटी के लिए 2 असामियाँ। इसमें है ड्राइवर 3 असामियाँ, इसके लिए भी यही शराइत है। आगे देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड सोस्त, गिलगित बल्तिस्तान मतलब सोस्त। DO की 1 असामी BPS 14, सिपाही की 22 असामियाँ BPS 5 और ड्राइवर की 1 असामी BPS 4। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मतलब ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए। आगे है डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड लाहौर, DO की 1 असामी, सिपाही की 54 असामियाँ और ड्राइवर की 3 असामियाँ। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फिर है कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट पेशावर, ये एक अलग कैटेगरी है। फिर सिपाही की 346 असामियाँ है, मतलब ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए। BPS 5 और ड्राइवर की 1 असामी BPS 4।
क्षेत्र इसके लिए कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इंक्लूडिंग मर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक्स पाटा पाटा और एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आपने यहाँ पर देखा हुआ खैबर पख्तूनख्वा के लिए 340 बहुत ज़्यादा आसामियाँ हैं। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट क्वेटा, अब बलूचिस्तान की तरफ चलते हैं। सिपाही की 150 आसामियाँ बी पी एस 5 और ड्राइवर की 3 आसामियाँ बी पी एस 4। कैंडिडेट सेविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस एक्सेप्ट पंजगुर लासबेला अवारा, मतलब बलूचिस्तान के लोग ही इसके लिए एल है। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स ग्वादर, यहाँ पर सिर्फ सिपाही की 50 आसामियाँ आए। कैंडिडेट सेविंग डोमिसाइल ऑफ ऑल सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्वादर, मतलब ग्वादर के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो इसके लिए अहल है। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट मुल्तान, सिपाही की 20 समय कैंडिडेट सेविंग डोमिसाइल ऑफ द सिविल डिविजनल एंड सिविल डिविजन एंड डेरा गाजी खान बहावलपुर एंड मुल्तान फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ तक था आज का इश्तहार। आगे आपको डिटेल कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर ऊपर जो लिखा गया है ऑल एंटेंडिंग मतलब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू। आपने इसी वेबसाइट को, डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है नीचे, आप यहाँ पर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आगे सब डिटेल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन कितना उम्र शर्त है वो सब सामने उधर दिए गए हैं। आपने वहाँ से चेक करके अच्छी तरह फिर उसके बाद अप्लाई करनी है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो वक्त ज़ाया ना करें, अप्लाई ना करें, और अगर आप एलिजिबल है तो भी वक्त ज़ाया ना करें और बर वक्त अप्लाई करें। दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।